रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बीजेपी के साथ ऑलरेडी एनडीए में है, तो उत्तर प्रदेश के फरवरी में होने वाले चुनाव में आरपीआई को साथ में रखना चाहिए और कुछ सीटें आरपीआई को देनी चाहिए। इसके बारे में हमारे माननीय जेपी नड्डा जी, जो प्रदेश ऑल इंडिया के अध्यक्ष है बीजेपी के, उनके साथ बात हुई है। कल मैंने माननीय अमित शाह जी, जो बीजेपी के सीनियर लीडर भी है, होम मिनिस्टर भी है, उनके साथ मैंने बात किया है कि भाई रिपब्लिकन पार्टी को साथ में रखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी का भारी नुकसान हो सकता है और उसमें बीजेपी का अच्छा फायदा हो सकता है। दलित वोट जो है ये अच्छी संख्या में आरपीआई की तरफ आ सकता है, तो उन्होंने बोला है कि ठीक बात है, तुम्हारे प्रस्ताव पर जरूर विचार करेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में अगर आरपीआई बीजेपी के साथ रहती है तो लोगों का हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो अभी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के संबंध में जन जागृति कराने के लिए और अपना जनाधार बढ़ाने के लिए एक बहुजन कल्याण यात्रा का आयोजन किया है और ये बहुजन कल्याण यात्रा सहारनपुर से शुरू होगी और पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 17 मंडल में जाकर, 18 मंडल में जाकर वो लखनऊ में आएगी और लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर मैदान है, वहाँ रिपब्लिकन पार्टी की सभा होगी।